Hi students, our today topic is drawing tool and we will learn about these tools in this video. Number one is pencil tool, number two is oval tool and number third is oval primitive tool. So let's see. So what is oval tool? It is used to draw an oval or a circular shape and this is the icon of the oval tool. Oval primitive tool. When you draw oval or a circle using the oval tool, you cannot change the start angle or end angle or the inner radius after drawing the shape. So we will see in the apply phase. So this is the icon of the oval primitive tool. So now we are going to apply this tool. Select this option. रेक्टेंगल प्रिमिटिव जहाँ से आपने सेलेक्ट किया था वहीं पे आप करेंगे. ये रहा ओवल टूल, आपने सेलेक्ट किया. अब सेम एज इट इज वही सेम मेथड. चाहे तो आप स्ट्रोक कलर सेट कर लें और इसका फिल कलर चेंज कर लें. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहा है कि आप स्टार्ट एंगल और एंड एंगल और इनर रेडियस सेट कर सकती हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ओवल टूल में हम स्टार्ट एंगल, एंड एंगल और इनर रेडियस सेट करते हैं. तो टीचर यहाँ पर जो है वो स्टार्ट एंगल 297 रख रही हैं. स्टार्ट एंगल मैंने यहाँ 297 रखा. एंड एंगल टीचर ने यहाँ पर 65 रखा, 65. और जो आपका इनर रेडियस है वो टीचर ने यहाँ पर 23 सेट किया. ठीक है, अब क्लोज पाथ पे आपने टिक करके रखना है. ठीक है, अब मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ. ये देखिए, इस तरीके से आपका इनर जो आपकी डेप्थ थी वो सेट हो गई. स्टार्टिंग एंगल आपने सेट किया था और एंड एंगल सेट किया था. ठीक है, अब अगर आप दूसरा नया जो है वो करना चाहते हैं, मीन सिंपल ओवल टूल करना चाहते हैं, तो आप रीसेट कर दीजिए और आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए. तो देखिए ओवल टूल ड्रॉ हो गया. अगर आप इसी ओवल टूल को आप इसी ओवल टूल से सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये देखिए ओवल भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप इसी ओवल टूल में आप चेंजेस लाना चाह रहे हैं, आप रेडियस सेट करना चाह रहे हैं, इनर और एंगल सेट करना चाह रहे हैं, तो आप इस इन ऑप्शंस को चूज़ करते हुए कर सकते हैं. सो ओवल, आर नेक्स्ट टॉपिक इज ओवल प्रिमिटिव टूल. ये देखिए ओवल प्रिमिटिव टूल का आइकन ये इस तरीके से बना हुआ होता है. जब आपने ओवल प्रिमिटिव टूल सिलेक्ट किया, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये है कि आप जो है वो ओवल प्रिमिटिव टूल में जी स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अब आप ओवल प्रिमिटिव टूल यहाँ सिलेक्ट हुआ है. आपने यहाँ सिंपल ओवल जो है वो ड्रॉ किया. वेट जस्ट अ मोमेंट. ये देखिए ये सिंपल आपने ओवल ड्रॉ किया. ठीक है, अब यहाँ टीचर क्या करिए कि जब आपने ओवल ड्रॉ कर लिया, अब ड्रॉ करने के बाद आप इसकी स्टार्ट एंगल, एंड एंगल और रेडियस सेट कर सकते हैं. लेट सपोज मैंने यहाँ सेट किया 244, यहाँ मैंने एंड एंगल इसका कर दिया, एंडिंग कर दी इसकी. ये देखिए यहाँ पर मैं इसे लेट सपोज मैं यहाँ कर देती हूँ 33. ठीक है, और इनर रेडियस मैं इसका सेट कर देती हूँ 14. तो अब देखिए आप, ठीक है, 14 से ज़्यादा करना है, 23 करना है, तो आप 23 कर दीजिए. ठीक है, इस तरीके से आप अपने ओवल को प्रिमिटिव की फॉर्म में, यानी ओवल प्रिमिटिव टूल के थ्रू आप इसके रेडियस को, स्टार्टिंग एंगल्स को सेट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब हम देखने वाले हैं पेंसिल टूल को. तो लेट्स सी, दिस इज़ आवर पेंसिल टूल. ये रहा हमारा पेंसिल टूल. हमने पेंसिल टूल सिलेक्ट किया. जब आपने पेंसिल टूल सिलेक्ट किया तो यहाँ से इसकी लाइंस को आप कर सकते हैं. ठीक है, तो पेंसिल टूल किस लिए यूज़ होता है? जब आपने लाइंस और शेप्स ड्रॉ करनी होती हैं, ये कस्टम में जाके आप इसकी थिकनेस को भी इनक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, ओके का बटन प्रेस किया. देखिए अब यहाँ से मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर सकती हूँ. फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे आप तो आपकी पेंसिल टूल इफेक्टिवली अप्लाई हो जाएगी. होप कि आपको पेंसिल टूल, ओवल टूल और ओवल प्रिमिटिव टूल अप्लाई करना आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.